मेरा अभिनव कुमार नाम है। मैं बढ़िया गांव लखीसराय जिले से बिहार से आता हूं, और अभी फिलहाल मैं इटली के एक शहर वेनिस के पास में कहीं पे रह रहा हूं। और मेनली मैं इंडिया के इंडिया में कंपनी है पीटीएम, उसके उसका पूरा मार्केटिंग देखता हूं मैं। तो मेरा अभी सवाल है कि हम ये जितने भी एक्टिविटीज जो मुझे समझ में आया हम लोग के बात करने के दौरान, कि ये सब मोस्टली सिविल सर्विस और उसके एस्पिरेंट्स को हेल्प करने के लिए। बीच में मैंने बीपीएससी का भी नाम सुना। तो ये जितने पोस्ट हैं जिसके लिए हम लोगों को हेल्प कर रहे हैं, ये बहुत लिमिटेड है और बहुत कम है। कि जब हम एक मास लेवल पे हम चेंज चाहते हैं, तो ये जितने पोस्ट क्रिएट होते हैं या जितने के लिए हम हेल्प करते हैं, तो क्या इससे अलग हट के भी कुछ आपकी ऑर्गेनाइजेशन सोच रही है कि हम कुछ और जॉब्स के लिए या फिर कुछ और सर्विसेज के लिए लोगों को प्रिपेयर करने में हेल्प करें? और उसमें हम फिर एज अ बिहार फ्रेटर्निटी हम आकर के कहाँ कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और मतलब नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? क्योंकि अभी लग रहा है कि वो बहुत लिमिटेड दिख रहा है, कि कुछ ही लोगों तक हम पहुंच पा रहे हैं आपकी संस्था की जगह से। तो हम उसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, और हमारा उसमें क्या योगदान हो सकता है, कहाँ कहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करने आ सकते हैं, तो उसके बारे में और समझना चाहेंगे। एनएससीएस को एक चीज जो हमने बताया कि गिविंग बैक टू रूट्स, ये बहुत ही वाइड एम्पलीट्यूड है गिविंग बैक टू रूट्स, और उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी चूंकि हमने सिर्फ शुरुआत की है, आप अगर समझ लीजिए कि 2014 से हमने अपनी जर्नी शुरू की, तो 2014 में हमारे पास सिर्फ 7-8 अवसर थे। 2015, 16, 17 ये हमारे स्ट्रगल का टाइम था, और तब 18 से जब लोगों को जानकारी मिली, हमें कुछ सफलता मिली, तो लोग जुड़ना शुरू हुए, और समझ लीजिए कि पिछले 3-4 साल से काफी लोग हमसे जुड़े हैं। शुरू शुरू में हमारे सीनियर अफसर, हमारे जूनियर अफसर, जब हम उनको बुलाने भेजते थे अपने कनेक्ट प्रोग्राम, जिसके बारे में अरुण ने बताया ना, नए जो सिलेक्ट हो जाते हैं उनको हम कनेक्ट प्रोग्राम रखते हैं, जिसमें उनकी मुलाकात हम बड़े सीनियर अफसर जो बिहार के हैं उनसे कराते हैं दिल्ली में। तो हम जब इनवाइट करने जाते थे, तो हमारे सीनियर अफसर दे यूज्ड टू टेल कि ये क्या कर रहे हो, बाहर जाओ, मैं इन सब चीजों में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा। बट अब लोग हैप्पीली कहते हैं कि हमें भी इससे जोड़ो। तो जब हम जर्नी की शुरुआत करते हैं, तो हम कुछ बहुत कम एजेंडा लेके चलते हैं, और जैसे जैसे हमारे साथ लोग आते जाते हैं, अब आप लोग भी हमारे साथ आ रहे हैं, इसकी बहुत बड़ी खुशी है, तो वी कैन डेफिनेटली डू लॉट ऑफ थिंग्स। इसमें 3-4 चीजें जिसके लिए हम सोच सकते हैं। एक तो हमने ये कहा कि स्कूल को हम एडॉप्ट करके, क्योंकि एक अगर स्कूल एक जिले में या एक कस्बे में या एक तहसील में, अगर एक स्कूल एक ब्लॉक में अच्छा हो जाएगा, तो उसका देखा देखी बाकी स्कूल भी अच्छे हो जाएंगे, और हम उसको रिप्लीकेट कर सकते हैं। और एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, इस पर जब तक हम ध्यान नहीं देंगे काफी चीजें नहीं होगी। एजुकेशन से ही अगर हमारे यूथ एजुकेटेड रहेंगे, तो देयर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी विल इंक्रीज। और एक चीज जो हमने नहीं बताई, वो बताना चाहूंगा कि हम अभी शुभम ने उस पर रिफ्लेक्ट किया कि हम जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाके हम एक तरह से एक अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज तो हमने, चूंकि सिविल सर्वेंट्स हैं, शुरू शुरू में हमने ये एजेंडा शुरू किया है, हम उनको एक तरह से कैरियर काउंसलिंग देते हैं। और जब हमारी इंटरेक्शन वहाँ के यूथ से होती है, जो स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहे होते हैं, वो देखते हैं कि 7-8 सिविल सर्वेंट्स आके हमसे बातें कर रहे हैं, उनके हर तरह के सवाल का हम जवाब देते हैं। तो दैट इज नॉट लिमिटेड ओनली टू सिविल सर्विसेज, दैट इज लिमिटेड टू देयर करियर बिल्डिंग, काउंसलिंग, एडवाइजिंग देम व्हाट काइंड ऑफ करियर दे कैन टेक। तो हम आगे चल के ये सोचे हैं कि वहाँ के यूथ को एक एजुकेशन सिस्टम के साथ इम्प्रूव करने के साथ साथ, हम उसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या उनको आगे करियर ऑप्शंस कैसे लिया जाए, किस तरह का वो करें, उसके तरफ हम सलाह दें। और अगर आप जैसे लोग जो बिहार के डायस्पोरा है, बाहर है, अपने अपने फील्ड में आपने अच्छा किया है, एंड यू हैव लॉट ऑफ एक्सपर्टीज, अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे, तो वी विल बी इन मच बेटर पोजिशन टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। और उसमें हम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे हमें हमारे साथ अब एक आईटी एक्सपर्ट आ जाएंगे, तो वी कैन ट्राई टू डू समथिंग इन हिज नेटिव डिस्ट्रिक्ट और इन आर नेटिव डिस्ट्रिक्ट वेयर वी फाइंड पोटेंशियल। तो इस तरह से धीरे धीरे हम शुरुआत कर सकते हैं। हम सरकार तो है नहीं, बट हम सरकार को सलाह दे सकते हैं, हम अपने लेवल पे बहुत तरह का काम कर सकते हैं। तो ये मैं अभिनव जी को बोलना चाहूंगा कि हम लोग अगर साथ मिल जाए, आपके जैसे और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए, तो वी कैन डू लॉट ऑफ थिंग्स।